हेलो फ्रेंड्स, आई पुष्पन दागर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाह अकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मतलब वाच्य क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप उनका परिवर्तन करेंगे। अब वाच्य क्या होते हैं आपको बताएं, जैसे संस्कृत में दिया है डेफिनेशन की अभिव्यक्ति या कथन, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी भाषा में कहें वाच्य का मतलब होता है बोलना किसी भी वाक्य, अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में आपके होते हैं वॉइस, वॉइस समझ गए। तो वॉइस मतलब किसी भी कथन को कहना, किसी भी कथन मतलब किसी भी वाक्य को कहना, ये क्या कहलाता है आपका वाच्य कहलाते हैं संस्कृत में सीधी भाषा में। अब जो वाच्य जो आपके होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका कर्तव्यवाच, एक होता है कर्मवाच और एक और आपका होता है इसको कहा जाता है भाववाच, है ना। तो तीन आपके वाच्य होते हैं, आपको ध्यान रखना है इन तीनों का ही आपस में कन्वर्ट आपको करना है। एक तो आपका कर्तव्यवाच, इसको आप अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो कृत्यवाच या कर्तावाच कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कर्मवाच जो होता है इसको आप कर्म कहें तो का नाम से सिद्ध हो रहा है, और एक आपका है भाव। तो आप समझिए कर्तव्यवाच, कर्त और कर्मवाच और भाववाच। अब कर्तव्यवाच क्या होता है पहले देखिएगा, परिवर्तन करने से पहले अगर हमें मालूम हो कि ये होते क्या हैं तो फिर हम इनको आपस में चेंज करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर चेंज करने के रूल्स भी बताऊंगा, इसके पहले ही मैंने बका दे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले कर्तव्यवाच से। इस वाच में कर्ता प्रधान होता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्ता क्या होता है। कर्ता मीन्स आप देखें तो इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है और हिंदी में कहें तो हिंदी में तो कर्ता ही होता है, हिंदी संस्कृत सेम ही है। कर्ता मतलब करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। देखो जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, मतलब कि जो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसमें कर्ता में प्रथम विभक्ति हमेशा ध्यान रखें, कर्ता में प्रथम विभक्ति और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ये नॉर्मल वाक्य होते हैं, जैसे कि जब भी हम संस्कृत बोलते हैं या संस्कृत के सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमेशा वो कर्तव्यवाच में ही होते हैं। कहाँ होते हैं वो कर्तव्यवाच में ही होते हैं। जैसे आपका इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, तो जितने भी आपके वॉइस होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं, उनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, तो कर्ता कौन है यहाँ पर राम है, गृहम कौन है यहाँ पर कर्म है, और जाना मीन्स यहाँ पर क्या है वो क्रिया हो रही है ना, क्रिया है ये। जैसे इस बात में राम कौन है कर्ता है, गृहम आपका कर्म है और गच्छति आपका कर्ता के द्वारा की गई क्रिया है, इसलिए राम है यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करा गया है। बालिका पाठम पठी पठित्वती, मतलब बालिका जो है मतलब जो कर्ता है वो पाठम मतलब पाठ को पढ़ रहा है, तो आप ध्यान रखें कि बालिका कर्ता है, पाठम कर्म है और पठित्वती ये क्रिया है, मतलब ये धातु है, वर्व है ना। ये मैंने आपको सब बहुत अच्छे से समझा, तो आप और भी देख सकते हैं। सैनिक देशम रक्षति, जो सैनिक है तो इसमें सैनिक जो है वो कर्ता हुआ कि सैनिक है, जो सब्जेक्ट है वो देश मतलब ये कर्म की जो आपका कर्म है उसका, देशम की रक्षति मतलब रक्षा करता है। तो आप देखेंगे सैनिक में प्रथम विभक्ति और देशम में आपका द्वितीय विभक्ति है। तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि कर्तव्यवाच में परिवर्तन करो तो ध्यान रखना है कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति होगा और आपका कर्ता जो और आपका जो कर्म होगा वो हमेशा द्वितीय होती है, नॉर्मल बात है। अब हम आते हैं कर्मवाच पे, बस यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। अगर जो कर्म की प्रधानता है इसका मतलब पहले वाले में कर्ता की प्रधानता है, नाम ही ना इसका कर्मवाच्य, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता, ध्यान से सुनिएगा, कर्म में प्रथम विभक्ति जिसकी प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, जिसकी प्रधानता होती है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, प्रथम विभक्ति आती है, और कर्ता में यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि कर्ता पर हम यहाँ पर, तो कर्मवाच में आपका जो कर्ता होता है दैट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट होता है जो आद व्यक्ति क्रिया कर रहा होता है उसमें आपका तृतीय विभक्ति आती, बहुत आसान हो जाता है चेंज करना। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपका चूँकि कर्म पे जो आपका कर्ता प्रधान था इसलिए कर्ता में कौन सी विभक्ति यूज़ होगी, प्रथमा होगी, और यहाँ पर कर्म में द्वितीय होगी। लेकिन जो कर्मवाच्य है यहाँ पर आपका कर्म जो है कर्म की प्रधानता है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, ध्यान रखना कि जो क्रिया है उसका यूज़ कर्म के अनुसार होगा ना कि कर्ता के अनुसार। तो जिस लिंग पुरुष या वचन में कर्म होता है उसी लिंग या पुरुष में क्रिया का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान देना है कि आपका जो कर्म है वो कौन से लिंग का है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग पुरुष एकवचन, पुरुष आपका प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, वचन आपका एकवचन द्विवचन बहुवचन है, उसी हिसाब से लिंग पुरुष और वचन में क्रिया का यूज करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका रहेगा मतलब कर्ता आपका रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति है, इसमें लिखा रामेण गृहम गम्यते, आपको समझा देते हैं कि रामेण तो राम, राम की जो तृतीय विभक्ति होती है राम में एण आता है तो यहाँ पर एण हो गया तो रामेण हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई। विद्यार्थी ना मया,
तो यहाँ पर आपको जो ग्रहम है, ग्रहम आपका कौन है, कर्म है, तो ये प्रथम कौन सी व्यक्ति है आपका, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका प्रथम व्यक्ति हो ग्रहम में। और गम्यते हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी जो इस तरह की जो सभी जो धातुएं हैं वो चेंज हो जाती, कैसे, अगर कोई पट धातु है तो पठ्यते हो जाएगा, लिख धातु है तो लिख्यते हो जाएगा, खाद धातु है तो खादते हो जाएगा, भव धातु है तो भूयते। ये तृतीय विभक्ति का कमाल है, किसका कमाल है, धाव है तो धाव्यते हो जाएगा, हस्ती है तो हस्यते हो जाएगा, क्रिया में हमेशा यही चलता रहता है। तो कृपया कर इसका ध्यान रखें, इसलिए गच्छति था इसलिए इसका गम्यते हो गया। तो आपको ये और भी मैंने दिए हुए तो आप उनको याद कर लीजिएगा। तो इस वजह से क्या हो गया आपका, रामेण ग्रहम गम्यते, विद्यार्थिनः पाठं पठ्यते, मया चित्रे दृश्यते। तो इस तरीके से आपका एक कर्मवाच हो गया। अब इसका देखिएगा, इसमें देखो ग्रहम पाठ चित्रे कर्म है, अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार ही एक वचन लगा है, और तीसरे में जो आपका द्वि वचन था इसलिए क्रिया में द्वि वचन लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे पे आते हैं भाव। भाव मतलब होता है इमोशंस। कर्ता में भाववाच में जो कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है। अब आप याद रखें कि जो कर्मवाच कर्तव्यवाच है उसमें जो कर्ता होता है उसमें आपका प्रथम विभक्ति है, जो आपका कर्मवाच है उसमें आपका कर्ता में कौन सी विभक्ति है, उसमें तृतीय विभक्ति है, और भाववाच में भी तृतीय ही विभक्ति है। तो इसलिए भाववाच और कर्ता जो कर्मवाच है उसमें सेम ही रहेगा। तो भाववाच में जो क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा, भाव मतलब कि उसका इमोशंस, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन एक में भले ही उपयुक्त हो, ध्यान रखना क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। हमेशा ध्यान रखना जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन ही रहेगी, भले ही कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। मतलब यहाँ पर भाववाच में जो क्रिया है वो आपके कर्ता के अनुसार नहीं चलती, लेकिन जो आपका कर्मवाच है उसमें चलती है, यही फर्क है। तो यहाँ पर देखेंगे मया तुभ्या युवा भी आबम, ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये जो अयम को मया कर दिया, तुभम को तुभ्या कर दिया, युवाम को युभाभ्यम कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो तृतीय विभक्ति हो गया। इस वजह से तृतीय कर्ता तृतीय विभक्ति है, तो अयम अयम का जो तृतीय विभक्ति होती है वो मया होती है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर मया यूज किया है। और तुभम तुभम का तृतीय विभक्ति तुभ्या होता है इसी तरीके से। तो वाच में परिवर्तन के नियम कि कर्तव्यवाच में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच में परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा, जैसे कि पठती लिखा है तो पठ्यते लिखेंगे, लिखती लिखा है तो लिख्यते लिखेंगे, खादती लिखा है तो खादते लिखेंगे, वभती लिखा है तो भूयते लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक परिवर्तन करके देख लेते हैं। अब जैसे देख सकते हैं शाह फलानी खादवान, तो अब ये कर्तव्यवाच में कर्मवाच में चेंज करना है तो जो शाह है इसको तृतीय विभक्ति लिखना पड़ेगा, तो शाह की तृतीय विभक्ति तेन होती है। फलानी जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इनमें दोनों में ही प्रथम विभक्ति रहेगी। खादितवान, तो खादितवान है तो खादितानी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अनुसार परिवर्तन होगा इसका, जैसे बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। अहम ग्रंथानाम पठित्वान, ध्यान से देखेंगे अहम का तृतीय विभक्ति होगा मया, ग्रंथवान का ग्रंथ है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कर्तव्यवाच से कर्मवाच में चेंज कर रहे हैं तो ये आपका द्वितीय विभक्ति है, इसमें प्रथम विभक्ति आएगा, और पठित्वान है तो इसलिए पठिता हो जाएगा। वयम का अस्मा भी हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यही का यही नियम आपका भाववाच का भी है। तो गाइज इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल में इसको समझना है, 9th-10th के हिसाब से तो ये कंप्लीट हो गया है, और भी डिटेल में समझना है तो मैं इसके एक और वाच्य परिवर्तन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी ओपी गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है आपकी जो राय है वो आपको उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। और आप सभी 10th और 9th के बच्चों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए All the best. Thanks for watching.